अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाए, इसीलिए चुनावों के ठीक बीच अमेरिका ने पीएम मोदी पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका के साथ अब कनाडा भी खुलकर मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है। लेकिन पीएम मोदी को फंसाने के चक्कर में अमेरिका और कनाडा खुद बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के बीच अमेरिका की मीडिया ने पहली बार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम लेकर कई दावे किए हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू को मरवाने के लिए रॉ ने शूटर्स की एक टीम को चुना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बैठे एक रॉ अधिकारी ने अमेरिका में एक शूटर को पन्नू के न्यूयॉर्क वाले घर का एड्रेस भेजा ताकि पन्नू को मरवाया जा सके। इस अखबार ने रॉ के इस पूर्व अधिकारी का नाम भी सबको बता दिया, लेकिन हम बेवजह इस अधिकारी की जानकारी नहीं देना चाहते। लेकिन अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने इस अधिकारी का असली नाम दुनिया को बता दिया, उसकी जानकारी दे दी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कनाडा ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा पर लगा दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि कई खालिस्तानी भारतीय हाई कमिश्नर पर हमला करने के लिए तलवार लेकर पहुंच गए। अब अमेरिकी अखबार ने भी कनाडा जैसी गलती की है। बहरहाल अब आपको एक ऐसा सच दिखाते हैं जो खुद अमेरिका को फंसा देगा। वॉशिंगटन पोस्ट के ही एक पत्रकार ने दावा किया है कि रिपोर्ट छपने से कई हफ्तों पहले अमेरिका की सरकार ने भारत को चेतावनी दी थी कि वॉशिंगटन पोस्ट ऐसी खबर छापने वाला है। यानी अमेरिकी सरकार सीधे सीधे भारत को ब्लैकमेल कर रही थी। अमेरिकी सरकार भारत को ये संदेश देना चाहती थी कि जो हम कहते हैं वैसा करो, नहीं तो वॉशिंगटन पोस्ट आपके खिलाफ खबर छाप देगा। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा पीएम मोदी को जितनी भी डराने की कोशिश कर लें, पीएम मोदी उतने ही ताकतवर होते जा रहे हैं। वैसे तो कनाडा और अमेरिका के ज्यादातर आरोप झूठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय लोगों का मानना है कि अगर भारत की खुफिया एजेंसी आतंकियों को खत्म करने के लिए अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में घुस रही हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारतीय लोगों को अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय लोग तो बस ये चाहते हैं कि विदेशों में बैठे आतंकी एक के बाद एक ऊपर पहुंचते जाएं। बहरहाल भारत ना तो अमेरिका की धमकियों से डरता है और ना ही वॉशिंगटन पोस्ट की फर्जी खबरों से। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को गैर जिम्मेदाराना बताया है। भारत ने कहा है कि इस तरह की काल्पनिक रिपोर्ट से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। We'll be right back.